तो ऐसे छोटे जो संस्कार आ रहे हैं, जो दूध से आ गए, जैसे कुछ भोजन से आया, इसको नष्ट कैसे किया जाएगा गुरु जी? ये कुंभक लगाने से नष्ट होता है क्या चीज? ये जो संस्कार दूध से आ गया, अच्छा, या फल से आ गया, प्राणायाम के द्वारा? हाँ, कुंभक से जो चित्त की ऊपरी सतह पर हल्की फुल्की मलिनता होती है, मैल, छोटे मोटे संस्कार जो हमने किए ही नहीं मगर कमाए नहीं और आ गए, जैसे हम यहाँ खाना खा रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं ना, उनके भी संस्कार हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं। अगर साधक की साधना बहुत तेज है और योग है, अर्थात उसकी दिव्य दृष्टि पैनी है और खुली हुई है, तो वो जिसने खाना बनाया है उसके विषय में सब कुछ जान जाएगा, उसके विषय में जानकारी अपने आप आ जाएगी। अर्थात जो हम खाना खा रहे हैं उसके भी संस्कार आ गए, तो उसके लिए ये तरीका बताया गया है कि आप प्राणायाम करेंगे तो ऐसे संस्कार निकल जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। प्राणायाम करिए, इसीलिए प्राणायाम किया जाता है, दो फायदा प्राणायाम करते हैं, ठीक है, हमारे जो शरीर की नाड़ियाँ भी खुलती हैं और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है, चित्त की मलिनता या हल्के फुल्के जो कर्म है, तमोगुणी कर्म है, हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं, वो भी धीरे धीरे नष्ट होते हैं। उसी के अनुसार मन में जितनी नष्ट हुए उतनी स्वच्छता आ गई, जितनी मलिनता नष्ट होती उतनी स्वच्छता बढ़ती है, तो उससे मन भी स्वच्छ होने लगता है। ठीक, फल और खिचड़ी में कितना अंतर रहेगा? एक 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 प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि सभी इसी में, ये लास्ट है क्या, कि जैसे खिचड़ी बना ली या दलिया बना लिया, उस भोजन में और फल और दूध में, इसमें अंतर क्या अंतर रहेगा संस्कारों का, तमोगुण का? आपकी बार में समझ नहीं, फलाहार और या खिचड़ी? अच्छा, खिचड़ी या रोटी बनाई मैंने खुद के लिए एग्जांपल, रोटी बनाई हाँ, या मैं फल और दूध पे रहा, तो इन दोनों में किस पे ज्यादा संस्कार कम आएगा और तमोगुण कम आएगा शरीर में? क्या कुंभक के द्वारा दोनों पे ही विजय प्राप्त? फल और दूध पे कम आएगा, क्योंकि रोटी की अपेक्षा फल और दूध में जड़ता कम होती है, ठीक है, रोटी में जड़ता ज़्यादा होती है, रोटी की अपेक्षा चावल में जड़ता कम होती है, चावल में कम, इसीलिए कहा गया है जो व्रत वगैरह करते हैं, कोई भी व्रत करता है, नहीं कहते हैं थोड़ा बहुत फल ले लो, मगर अन्न नहीं खाते, उसमें जड़ता ज़्यादा होती है। व्रत का अर्थ तो दूसरा है, लेकिन अपने आप को शुद्ध बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत फल ले लेते हैं, अगर नहीं है तो दूध ही पी लेते हैं। दूध दूध ना मिले तो खाली फल में भी रह सकते? अरे भाई इतनी बारीकी से ना पूछो, हाँ ठीक है, ये तो खुद भी निर्णय कर सकते हैं। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.